मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जियो 5G की तरफ से। आप सभी के लिए, अगर आप जियो यूज़र हैं या कोई और नेटवर्क यूज़र हैं, आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और कमेंट में रिप्लाई दीजिए कि आपके साथ भी ये स्कैम हो रहा है, जियो 5G स्कैम। जी हाँ, जियो बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है अपने कस्टमर के साथ। वो 5G अनलिमिटेड तो आपको बता रहा है, लेकिन 5G अनलिमिटेड नहीं दे रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि आपको कह रहा है कि आपके नेटवर्क में जब 5G शो हो रहा है तो आपका पहले डाटा 4G खर्च होगा, और जब 4G खर्च हो जाएगा तो आपकी स्पीड एकदम से कम हो जाएगी। आप खुद उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, जियो कस्टमर केयर से हमने बात की। वो साफ साफ कह रहे हैं कि 5G सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन आपका जो डाटा यूज़ हो रहा है वो 4G ही यूज़ हो रहा है, और वो 5G की स्पीड में यूज़ हो रहा है। और जैसे ही आपका 4G डाटा खर्च हो जाएगा, आपकी इंटरनेट की स्पीड 3G से भी कम हो जाएगी। उनका कहने का मतलब है कि आपकी स्पीड 5G में फिर नहीं चलेगा, फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब जब तक हमारे पास 4G डाटा है, तब तक वो डाटा हमारा हाई स्पीड में कंज्यूम कर लेंगे, 1 या 2 GB चुटके में खर्च हो जाएगा। उसके बाद हमको फिर से डाटा यूज़ करने के लिए डाटा पैक बाय करना पड़े। इसलिए जियो 5G वाले इतना बड़ा स्कैम अपने कस्टमर के साथ कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से जल्दी कंज्यूमर फोरम में इनकी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी इनके ऊपर एक्शन हो और ये लोगों को इसका रिप्लाई दें या हर्जाना दें जिनके साथ भी ये स्कैम हो रहा है। मेरे पास 24 GB डाटा था, मैंने 1-2 वीडियो अपलोड करी और मेरा सारा का सारा डाटा खर्च हो गया, और वो वीडियो मैंने अपलोड करी थी 5G में। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं सर, आपका 5G तो दिखा रहा है, लेकिन आपका जो डाटा यूज़ होगा वो 4G ही यूज़ होगा, और ये इनके सिस्टम में दिखा रहा है। आप खुद ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई अवश्य दें। को थोड़ा सा हम अच्छे से वेरीफाई करते हैं लोगों के सामने। तो मतलब आप कह रहे हो कि 4G डाटा कंज्यूम होगा अगर हमारे ऊपर नेटवर्क में 5G भी लिखा हुआ है? मतलब अगर 4G डाटा हमारा खर्च हो गया जितना हमारे पास पड़ा होता है, उसके बाद 5G की स्पीड एकदम कम हो जाएगी? जी सर। ओके ठीक है, मतलब 5G में हमको खास स्पीड नहीं देखने को मिलेगी जब तक हमारे पास 4G में डाटा अवेलेबल नहीं होगा। जैसे अब हमारे पास 2 GB पर डे होता है कभी कभी, और 5G अनलिमिटेड होता है। तो जैसे 2 GB खर्च होगा पहले, अगर आपका 5G में भी है तब भी 2 GB खर्च होगा 4G वाला? यस सर। हाँ जी सर। और उसके बाद 5G काम करेगा, और 2 GB जब खर्च हो जाएगा तो 5G की स्पीड एकदम कम हो जाएगी? जी सर। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। आपका नाम? साक्षी शर्मा सर। साक्षी शर्मा,